नमस्कार। वास्तु के अनुसार घर के दरवाजे के सामने आपके पड़ोसी के घर का दरवाजा हो तो शुभ नहीं होता। आज वास्तु निरीक्षण के लिए गया नोएडा, एक फ्लैट में देखा, सब कुछ सामान्य था, अच्छा है, बढ़िया है, नया फ्लैट है, लेकिन जैसे कि सोसाइटी में होता है अधिकतर गेट के सामने गेट हो जाता है, गेट के दाएं बाएं गेट हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गेट के बिल्कुल पैरेलल अगर गेट है दूसरे व्यक्ति का तो ये दोनों ही घर के लिए अशुभ होता है। ऐसे क्यों होता है? जैसे आप गेट खोलेंगे तो आपके सामने दूसरे घर का द्वार का सामना दिखाई देगा। यदि वो खुला हुआ है तो भी अच्छा नहीं है और बंद है तो भी अच्छा नहीं है। यह एक प्रकार का वेद होता है, द्वार वेद। वेद कई होते हैं, मैंने पहले बताया था वीडियो में कि कोई कोना हो, कोई खंभा हो, कोई आदि आदि जो है इस टाइप के, तो उन सब से हटकर ये द्वार वेद का द्वार के सामने होना अच्छा नहीं है। ऐसे प्लॉट लेने से बचें, फ्लैट लेने से बचें, क्योंकि फ्लैट में अधिकतर क्या होता है कि मैंने देखा कि 70-60% जो है ऐसे होता है, और ऐसे घर में कोई शांति नहीं रहती और अपनी गोपनीय बात गोपनीय नहीं रह पाती। और वास्तु के द्वारा भी इसके लिए नेगेटिव प्रभाव देखे मैंने, घर में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम कहना चाहते हैं लेकिन वो आउट जाती हैं, यानी दीवारों काम जाते हैं। तो ऐसे दरवाजों से बचें, ऐसे फ्लैट लेने से बचें, क्योंकि चाहते हैं कि हमारे घर के राज घर में रहें, हमारे घर में कोई इंटरफेयर ना करे, हम स्वस्थ रहें, हमारा घर प्रसन्न रहे। तो ऐसे गेट के ठीक तरह गेट दूसरे पड़ोसी का नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।